स्टूडेंट समझते हैं तो होमवर्क पर भी ध्यान जाएगा। कल बाबा ने क्या कहा था, किस बात की प्रैक्टिस करने के लिए कहा था और उसको कितना किया है, और अगर नहीं किया है तो अमृत वेले से उसको पूरा किया या नहीं किया, हर एक को चेक करना है, हर एक को चेक करना है। जैसे परसों में बाबा ने कहा, बिना याद की यात्रा के आत्मा के विकल्प नाश करने का और पावन बनने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। ज्ञान का विषय अलग है, योग का विषय अलग है। ज्ञान को ही योग समझ लेना ये अपनी भूल है कि अभी हम ज्ञान सुन रहे हैं। ज्ञान तो कोई भी आज का आया हुआ भी रट लेगा, सुना सकता है, लेकिन योग की अवस्था, और उसमें भी बाबा ने कहा कि नष्टो मोहा बनो तो योग की अवस्था अच्छी होगी, नहीं तो जैसे कोई मकड़ी ऊंचाई पर चढ़ने की कोशिश करती है और बार बार नीचे गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, नीचे गिराने वाली क्या है? नीचे गिराने वाली बातें मेरा कहीं ना कहीं किसी न किसी से, व्यक्ति से, वस्तु से, वैभव से, बातों से, विचारों से, संस्कारों से अटैचमेंट है, और इसलिए जीवन के इस यात्रा में आसपास जो भी कुछ दृश्य दिखाई देते हैं, हालांकि वो दिखाई कब देते हैं, जब हम यात्रा पर ले जाने वाले के साथ एंजॉय नहीं कर रहे हैं, बाबा को भूल जाते हैं, तो साइड से देखने की इच्छा हो जाती है, खिड़की से देख रहे कौन क्या करता है, और तब संकल्प चलता है ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। उसकी भी फिर कैटेगरी है कि बेयर संकल्प तक चला, थोड़े समय के लिए चला, कुछ सेकंड के लिए चला, कि ज़्यादा समय तक बह गया उसी में, और या फिर खुद से भी कोई ना कोई विकार के वशीभूत होकर विकल्प हो। तो बाबा ने कहा नष्टो मोहा बनो, इसकी हमने परसों से लेकर और विशेष कुछ प्रैक्टिस की, क्वेश्चन मार्क हम सभी कर रहे हैं, लेकिन बाबा जानते हैं जितना करना चाहिए, जितना होना चाहिए, बच्चे मेहनत नहीं करते, और उसके लिए बाबा ने कल कहा एकांत का समय निकालो, संगठन से दूर एकांत में भी और साथ साथ संगठन में रहते हुए भी दिल का अभ्यास, वतन की सैर का अभ्यास, वो हमने कितना परसेंट किया है तो टीचर से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। आज भी बाबा ने मैं और मेरा बन, क्योंकि कितना प्रत्यक्ष उदाहरण है, कितना प्रत्यक्ष उदाहरण है महाभारत का वह दृश्य, महाभारत की जड़ मैं और मेरा बन। दुर्योधन और बाकी कौरवों ने मैं पर नहीं छोड़ा और धृतराष्ट्र ने मेरा पर नहीं छोड़ा, और गांधारी भी उसी बातों में आ गई, क्या हुआ रिजल्ट, सर्वनाश, भगवान सामने है, लेकिन उनकी बातों को मानने के लिए बुद्धि तैयार नहीं हो रही है, ये मैलापन आत्मा पर छाया हुआ है। हम बच्चों को भी बाबा जैसा बनाना चाहते हैं, नंबर वार क्यों समझ रहे हैं, कारण स्पष्ट है, मैलापन मैंपन और मेरापन का ही है, ये साधारण पॉइंट नहीं है।
मुझ आत्मा के ऊपर कितना परसेंट मेरापन और मैपन है। मम्मा और बाबा ने सेकंड में समझ लिया, दादियों ने सेकंड में समझा, हमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि जो पापा कहते हैं, रात भर चप्पू चलाया, लंगर खोला ही नहीं।